हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं हूं आपका साथी देवपाल, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अगर आप अभी तक एजुकेशन नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन के साथ सब्सक्राइब करके आने वाली इस घंटी को ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डाल दूँ उसका नोटिस आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। आप हमारे प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें लेटेस्ट एचटेट के बारे में वीडियो डाली हुई है, जॉब के बारे में वीडियो डाली हुई है, ठीक है, टीचर्स की वीडियो डाली हुई है, एचएससी भिवानी की वीडियो डाली हुई है, एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की वीडियो डाली हुई है। सभी प्रकार की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आप बात करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी अहम खबर के बारे में। आपके 5 सवाल हमारे पास आए थे, उसकी जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लीजिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम अगर आपने दिए हैं, या फिर आपके कहीं पर भी आपके साथियों ने, बच्चों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लीजिए। 5 सवालों के इम्पोर्टेंट जवाब देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। क्या है वह सवाल आपको दिखा देते हैं। नंबर 1 सवाल हमारे पास आया था कि सर रिजल्ट्स कब आएगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का कब आउट किया जाएगा। तो आपको बता दें यह 20 मई 2019 को शाम 5 बजे आपका रिजल्ट साइट पर डाल दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें बोर्ड से भी यह जानकारी मिली है कि 20 मई को रिजल्ट डाल दिया जाएगा, अखबार में भी यह कटिंग आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल आया है, अगर आपने एग्ज़ाम पेपर में बीच में खाली पन्ने, ठीक है, छोड़े हैं, एग्ज़ाम चेक होगा या नहीं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम देते वक्त गलती से बीच में खाली पन्ने छूट गए थे, तो क्या उसका एग्ज़ाम चेक होगा या नहीं। आपको बता दें एग्ज़ाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 3 शिफ्ट में चेक किया जाता है। एक बार में अगर आप चेक नहीं किया गया तो दूसरी बार में चेक होगा, दूसरी बार में चेक नहीं होगा तो तीसरी बार में चेक होगा। तो आप बता दें कि आपका पेपर जो है वो 100% चेक होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसका पेपर चेक नहीं होगा, इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आया था कि क्या जो पर्सन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो 10वीं और 12वीं में सिलेबस से बाहर पर्सन आए हैं उसके ग्रेड्स मार्क्स मिलेंगे। तो आप बता दें अगर जो पर्सन ही गलत है, ठीक है, जो सिलेबस में ही नहीं है और वह आपसे पूछा गया है, तो उसका 100% आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन आया था, पेपर किस तरह चेक हो रहे हैं। तो आपको बता दूं इस बार CBSE पैटर्न्स पर आपके एग्ज़ाम चेक हो रहे हैं। अगर आपने 8 नंबर का क्वेश्चन किया है, अगर आपने वह छोटा लिखा है, शॉर्ट लिखा है, पूरा पर्सन आप नहीं लिख पाए, उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आपको जितना लिखा है उसके हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ना कि पूरा पर्सन गलत कर दिया जाएगा। 8 में से अगर आपने 2 नंबर का लिखा तो आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है, इस पैटर्न पे CBSE पैटर्न से आपका एग्ज़ाम चेक हो रहा है। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आया था, जिनके UMC बनी है उनका क्या होगा, ठीक है। तो आपको बता दें जिन जिन स्टूडेंट्स की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं एंड ओपन स्कूल में UMC यानी कि उनका केस बनना है, उनका अब बोर्ड 1-2 दिन में साइट पर अपनी ही लिस्ट डालने वाला है। जिन जिन का केस बना है और उनके होम एड्रेस पर भी एक एक स्लिप भेजने वाला है, जिन जिन की UMC बनी है उनको सभी को बोर्ड शाखा में बुलाया जाएगा, वहाँ से समक्ष कमेटी के पास उन सभी से पूछा जाएगा, और उनके अगर उन्होंने सच में ही वह क्वेश्चन को लिखा है, उसकी जो नकल है वो पकड़ी गई है, तो उसे एक बार उसे रूबरू कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही उस डिसीजन लिया जाएगा, उसको पास किया जाए या छोड़ा जाए या फिर 2 साल के लिए आउट किया जाए, बोर्ड निर्धारित करेगा, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन वह क्वेश्चन भी हमारे पास आया था, क्या सर ये क्वेश्चन था, उनसे पूछा गया था कि सर अगर रोल नंबर में मिस्टेक हो गई हो, एक दोनों अंक में मिस्टेक हो गई है, तो क्या हमारा एग्ज़ाम चेक होगा। तो आप बता दें अगर आपने रोल नंबर में मिस्टेक की है तो भी आपका एग्ज़ाम चेक किया जाएगा।
क्योंकि आप हर एग्ज़ाम में तो रोल नंबर मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, एक ही एग्ज़ाम में तो रोल नंबर मिस्टेक की होगी, कोई नहीं, आपका एग्ज़ाम पूरा चेक होगा, आपका रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स को ये कोई डाउट ना हो, और आपका कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728642497। ठीक है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। यह वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।